हाय, आज मैं आपको एक छोटी सी टिप्स बताऊंगी और वो भी बहुत प्यारी सी टिप जो कि आपकी मैरिड लाइफ को जो है बूस्ट कर देगी और उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। और हम सब चाहते हैं कि हमारी सबकी मैरिड लाइफ बिल्कुल झकास चलती रहे, है ना। सो आपने उसके लिए करना क्या है, मॉनसून स्टार्ट हो चुका है तो उसका जो मॉनसून का जो पानी आता है ना, बारिश का पानी, उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। प्लास्टिक के बर्तन में करना है या कांच में करना है, जैसे मर्जी करें, लेकिन थोड़ा सा पानी आप तांबे के बर्तन में ज़रूर स्टोर करेंगे। क्या करना है आपको, उस तांबे का जो लोटा होगा, जो भी आपके पास बर्तन है, उसमें आप तीन जो है जो घास होती है उसकी तीन पत्तियां आप उसमें डाल दीजिएगा, जिसको धूप बोलते हैं। वो तीन डाल के आप उसको अपने बेडरूम में आप रखें, सरहाने की साइड पर, ज़मीन पर रखना, ज़मीन पर रखें, जो साइड में स्टूल्स होते हैं उस पर रखना, उस पर आप रखें, जहाँ मर्जी आप रखें उसको। सो वहाँ पर आप उसको रखिए, जो है रहने दीजिए वहाँ पर। उसको आपने चेंज कब करना है, नेक्स्ट जब आपका मानसून आएगा अगले साल में। बीच में अगर पानी सूख जाता है या जो भी है तो आप दूसरा पानी इसमें आप और डाल सकते हैं, जो भी आपने और इकट्ठा किया है ना रेन का, वो आप इसमें और डाल के रख देना। आप देखोगे कि जितनी नेगेटिविटी आपके बेडरूम में रहती है या आपके घर में रहती है, वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो उसमें चार चांद लग जाएंगे। सो आप ये वाला रेमेडी मुझे करके बताएं और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।